अस्सलामुअलैकुम, कैसे सारी मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे अपनों के साथ। आज आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी हेल्दी सी रेसिपी है जनाब जी। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं पंजाबी चूरी की रेसिपी है, जो कि वो एक है नहीं गाना है वंजली वालड़िया, जो हीर रांझे के लिए बनाया करती थी। और मैं जो ना, मैं वैसे अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। मेरा रांझा जो है वो चूरी इतने शौक से नहीं खाता है, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह शौक से खाते हैं, तो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो जनाब जी, ये मैंने क्या करना है कि एक अदद पराठा बनाना है आपने, हेल्दी सा, मोटा ताज़ा सा बिल्कुल आपने पराठा बनाना है। और पराठे के अंदर भी घी लगाना है, बाहर भी लगाना है, अच्छा सा घी लगाना है। और उसके बाद जो है चीनी आपने डालनी है। अगर आपके पास शक्कर वगैरह हो तो आप शक्कर के साथ बनाएं, आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। लेकिन मेरे पास शक्कर अवेलेबल नहीं थी इस टाइम, तो मैंने चीनी के साथ बनाया। तो चीनी के साथ भी वैसे ठीक लगता है, मज़े का लगता है, लेकिन अगर आप शक्कर के साथ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो जनाब जी, आपने जब पराठा आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो आपने उस पराठे को है जो उसको उंगलियों के साथ मसल मसल के उसको चीनी के साथ मिक्सअप करना है, और इसको आपने चूरी बनाना है इसकी। तो एक बात और आपसे कहूँगी कि इस चूरी के ना बॉल भी बना सकते हैं, जैसे कि आप गरम गरम सी होती है ना जब चूरी बना रहे होते हैं हम लोग, तो जैसे बना के आप ऐसे खा सकते हैं, चम्मच के साथ खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसके बॉल भी बना दें बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े से, तो बच्चे उससे भी बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो बॉल देखते हैं कि चूरी का बॉल बना हुआ है, तो वो शौक से खा लेते हैं। तो ये वैसे भी हेल्दी मील है, मतलब कि अगर आप खाना वगैरह बाकी नहीं खाते हैं, अगर आप ये खा लेते हैं और इसके बाद दूध वगैरह पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं, तो जनाब जी आपका तो प्रॉपर एक मील बन जाता है। तो इसके अलावा इसको खाने के बाद वैसे और किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो मैंने क्या किया था, मैंने वो चूरी बच्चों को खिला दी थी, और ये राइस मेरे पास, क्योंकि मैंने कल बनाए थे तो मेरे पास पड़े हुए थे, वही गर्म किए थे, मैंने वो राइस खा लिए थे। और जब मैं राइस खा रही थी तो बच्चे आके मेरे साथ फिर शरारतें भी कर रहे थे, आपको पता है फिर बच्चों ने तो शरारतें पूरी करनी होती हैं। तो वो खाना वाना हो गया था दोपहर में, ये फिर शाम की तैयारी हो रही थी खाने की। तो सालन की मैंने वीडियो पूरी मैं नहीं बना सकी, क्योंकि वो कुछ वीडियो मुझसे मोबाइल में स्पेस कम होने की वजह से कुछ वीडियो मैंने डिलीट की, तो वो जो है ना प्रॉपर रेसिपी की जो वीडियो थी वो भी डिलीट हो गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाद में उसका। तो मैंने सोचा चलो फिर बाद में दोबारा से मैं उसकी एक कंप्लीट रेसिपी दोबारा से दे दूँगी। तो जनाब जी, साथ मैंने हंडिया रखी हुई थी, सालन बना रही थी, बीफ बना रही थी, उसका भुना हुआ गोश्त बना रही थी, तो साथ में वो बन रहा था। और साथ में जो है मैंने सोचा मैं आटा गूंद लूँ, बाकी अपने काम शाम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जब सालन बन रहा होता है उसमें कुकर में मैंने रखा था काफ़ी देर, फिर भी लग गई थी, एक घंटा तो लग ही जाता है खाना बनाने में, तो वो एक घंटे में मैंने जो है वो सालन बना लिया और साथ में आटा वगैरह भी गूंद के रख लिया, ताकि जो जैसे ही सालन बने तो मैं रोटियां बना लूँ। तो इसी तरह से होता है, वैसे अक्सर लेडीज़ ऐसे ही करती हैं कि सालन जब वो बना रही होती हैं तो साथ ही आटा गूंद लेती हैं, साथ ही जो भी बर्तन होते हैं जमा साथ साथ वो भी धोती जाती हैं। तो ये इस तरह से काम भी जल्दी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और ज़्यादा जो है बिखेरा भी नहीं बिखरता जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। और अभी आपको बताऊँ, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर दे रही होती हूँ ना, इस टाइम आप यकीन माने जितना भी मैं बच के बैठ जाऊँ ना कि अब तो कोई आवाज़ नहीं आने वाली है, तभी कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई बाइक शाइक गुजर जानी है, या फिर कभी कभी ये जो घोए मलाई वाले आ जाते हैं अभी ना मैं बैठी हुई थी, बलाश भी मेरा सो गया, ईमान ट्यूशन गई हुई थी, शाम का टाइम था, तो ना मैंने सोचा चलो मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर लेती हूँ, इस टाइम तो बिल्कुल कोई शोर नहीं है घर में। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि खोए मलाई वाली आवाज़ें आने लग गई बाहर से मैंने फिर उसको ना एडिट नहीं किया, मैंने फिर सोचा मैंने कहा चलो चलने दें, जो मेरे लिसनर्स हैं वो भी जो है ना उस खोए मलाई वाली को इन्जॉय करेंगे तो जनाब जी, सालन जो है हमारा ऑलमोस्ट डन ही हो चुका था, दरमियान वाली क्लिप जो थी वो मुझसे डिलीट होने की वजह से वो ख़राब हो गई, बड़ा अफसोस हुआ मुझे वैसे उसका। तो सालन डन हो गया, फिर साथ में मैंने रोटियां भी बना ली थी, तब तक इनके पापा भी आ गए थे, तो खाना शाना हमने खाया शाम में। तो जो है आज वैसे था मेरा प्रोग्राम थोड़ा बाहर जाने का, ईमान क्योंकि कितने दिनों से बोल रही थी कि मामा बाहर चलें, आज संडे था, तो जो है ना ईमान की तो छुट्टी नहीं थी आज, क्योंकि ईमान को फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती है, तो वो भी ट्यूशन गई हुई थी, तो मैंने सोचा था मैंने कहा चलो जब हम जाएंगे तो ना उसकी कोई वीडियो बनाऊंगी, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं इंशाल्लाह। तो इसी तरह से बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, आप यकीन माने
टाइम का पता भी नहीं चलता है। और जो सालन मैंने बनाया था ये मैं अपने एक समवन स्पेशल के लिए भी मैं लेके जाने वाली थी आज तो आप लोगों ने कमेंट करके पूछना है मुझसे कि मेरे समवन स्पेशल कौन है। एक तो आप लोग कहेंगे कि मेरे हस्बैंड हैं, हस्बैंड तो वो आपको तो पता है वो तो समवन स्पेशल होते ही हैं, उनकी तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है ये हस्बैंड के अलावा जो है ना वो इंसान है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा दिया है हर मामले में। कहीं पे भी कोई मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कहीं पे भी कोई मसला मसाइल हुआ है तो हमेशा मैंने वो मेरे साथ रहे हैं। तो जो है ना बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ रिश्ते आपके ऐसे होते हैं जो कि आपको हर जगह पे आपका साथ देते हैं, हर जगह पे आपके काम को सराहते हैं। और बड़े ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद बहुत लकी हूँ कि मुझे इस तरह की फैमिली मिली, इस तरह का लोग मिले जो कि मेरे काम को सराहते हैं, मुझे सराहते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक वो बन जाता है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है फिर उनके लिए काम करके। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कोई इनपुट देनी पड़ती है फिर ही आपको आउटपुट मिलती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके लिए काम करना, उनके लिए अच्छा अच्छा सा जो जिस बात में उनकी खुशी हो वो काम करना। तो इस तरह से बस ये लेन देन का सिलसिला जो है ना वो तो चलता ही रहता है आप लोग भी आजमा के देखें, कहीं कभी कभी ऐसे होता है कहीं कभी कभी ना कि आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ मतलब कि आपका इतना ज़्यादा वो रापता नहीं होता है, इस तरह का मामला नहीं होता है, लेकिन अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, आप उनकी कदर करना शुरू करते हैं तो वो लोग भी आपके साथ उसी तरह से जो है वो सारे सिलसिले चलाते हैं, अच्छा लगता है इस तरह। तो जनाब जी खाना शाना डन हो गया था मेरा, मैंने बना ली थी रोटियाँ भी बना ली थी, सालन भी बन चुका था। तो जो है ईमान ट्यूशन से जब आती है तो वो उसको काफ़ी भूख लगी हुई होती है तो वो फिर आते ही मुझे बोलना शुरू कर देती है मम्मा खाना मम्मा खाना। तो वैसे तो ईमान को खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है एक मेरे लिए बलाज के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, बलाज खुद ही माशाल्लाह खा खू लेते हैं, लेकिन ईमान को लेके काफ़ी बड़ा टास्क होता है खाने को लेके। तो जनाब जी ये सिलसिले तो चलते ही रहने हैं और चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखें, मैं भी खाना शाला खा लूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, खाना मैं भी खा लूँ, बच्चों को भी खिलाऊँ, आप लोग भी खाना खाएं इन्जॉय करें। तो अपनी दुआओं में मुझे बहुत 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 याद रखें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।